नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें 360 डिग्री पोस्टुरल मेडिसिन के बारे में विस्तार से बताया था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आज जानना चाहते हैं, तो इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जी मौजूद हैं, जो कि सोशल मीडिया के सहिंसा भी कहे जाते हैं। तो सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। धन्यवाद, थैंक यू। और इसके साथ मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये बुक आपने जब लॉन्च की थी 360 डिग्री पोस्टुरल मेडिसिन, तो इसे लोग, इस पद्धति को लोग घर पे कैसे यूज कर सकते हैं? हाँ, घर पे लोग यूज करना ऑलरेडी शुरू कर दिया, और आपके नॉलेज के लिए अब ये 360 डिग्री पोस्टुरल मेडिसिन amazon.in पे ये बेस्ट सेलर में नंबर वन पे आ गया है, और उस दिन से ही नंबर वन पे इंस्टेंट बेस्ट सेलर बन गया था। तो थैंक्स टू एवरीबडी जिन्होंने किताब पढ़ी, और जिन्होंने नई किताब अभी तक पढ़ी है तो आप bishroop.com/360degree करेंगे तो ये मुफ्त में डाउनलोड हो जाएगा। अमेजन से भी खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ई बुक आप मिल सकता है, पढ़ सकते हैं। अब जो लोग पढ़ने भी नहीं चाहते हैं लेकिन सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं आपको 2-3 मिनट में समझा देता हूँ, एटलीस्ट कुछ चीज़ें समझा देता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है, आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो ये जो किताब है, इस किताब के पीछे एक पोस्टुरल मेडिसिन का ये एक डायल है, ये छोटा डायल है, मैं बड़ा डायल से आपको समझाता हूँ। बड़ा डायल है हमारे पास, ये बड़ा डायल है। पोस्टुरल मेडिसिन मतलब कि आपने दुनिया का सबसे जो सब पावरफुल फोर्स है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको यूज़ करना है। एक ऐसा फोर्स, एक ऐसी शक्ति जो मुफ्त में हर जगह है, वो रेगिस्तान में भी है, समुंदर में भी है, अमीर के पास भी है, गरीब के पास भी, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। बाकी जो फोर्सेज है, एनर्जी है, वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं, पोल्यूट होते जा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो उसको कैसे इस्तेमाल करें अपने क्रॉनिक एंड एक्यूट बीमारियों को ठीक करने के लिए। अब देखिए, स्टार्टिंग विद लंग्स, लंग्स को ले लेते हैं। जब भी लंग्स का कोई डिसऑर्डर हो तो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो SpO2 कम हो जाए, ब्रेथलेसनेस आ जाए, राइट, तो ARDS हो, तो अब आप ऐसे में पेशेंट ऐसे लेट जाता है नॉर्मल पोस्चर, पीठ के बल, आपको पेशेंट को सिर्फ 180 डिग्री रोटेट कर देना है, यानी कि पेट के बल लिटा देना है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोन वेंटिलेशन। तो हुआ क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हार्ट इज़ डाउन, लंग्स इज अप, तो जो हार्ट का प्रेशर लंग्स के ऊपर आना था वो नहीं आया, तो इससे लंग की कैपेसिटी 20% बढ़ गई, और ऐसा करते ही 15-20 मिनट में हम देखते हैं कि पेशेंट की ब्रीदिंग कैपेसिटी नॉर्मलाइज होने लगती है, उसके SpO2 बढ़ने लगता है, वो ठीक फील करने लगता है। तो दिस कॉल्ड पोस्टुरल मेडिसिन, एक्चुअली पोस्टुरल मेडिसिन का पार्ट है। ये तो हो गया लंग की बात। अब मान लो किडनी की बात करते हैं, किडनी के जो पेशेंट्स हैं या BP के पेशेंट्स हैं, जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं, तो उनको क्या करना है, उनको रोज़ 2 घंटे से 4 घंटे ये जो नॉर्मल पोस्चर है लेटने का, राइट, 0 डिग्री पे, उसकी जगह उनको 10 डिग्री पे लेटना है, राइट, दिस मीन्स लाइक दिस इंक्लाइंड, राइट, यानी कि बेड के एक तरफ 3-3 ईंटें रख देंगे दोनों तरफ, तो 1 फुट ऊंचा कर देंगे, जिस तरफ ऊंचा हाइट है उस तरफ सिर है, उस तरफ पैर है, और जिस तरफ नीचे है उस तरफ सिर, जस्ट लाइक दिस, जैसे आपने इसमें देखा, ऐसे इंक्लाइंड पोजिशन जब आप लेटते हैं तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो पैर के ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाने लगता है, हार्ट का आउटपुट बढ़ने लगता है, और ये जो सारे चीज़ें बदलाव होती हैं, इससे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, जिससे ब्लड वेसल डायलेट होने लगते हैं, और इससे ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, और इससे यूरिन आउटपुट पेशेंट का बढ़ने लगता है, और आप देखते हैं कि हार्ट रेट थोड़ा टेम्पोरली बढ़ जाता है, और आप ये देखते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से घटने लगता है। तो जो 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 बीपी के पेशेंट्स हैं उनकी बीपी कंट्रोल में आ सकती है, आ जाती है बड़ी तेज़ी से। जो किडनी के पेशेंट है, जो यूरिन आउटपुट नियर नील होता है, यूरिन आउटपुट आने लगता है, बढ़ने लगता है, यूरिन की अर्ज बढ़ जाती है, उनकी जो स्वेलिंग वाले जो पेशेंट हैं, चाहे वो लिवर के पेशेंट्स हों, ये पोस्चर जो है लिवर के लिए भी है और किडनी के लिए भी है, दोनों पेशेंट्स, या बीपी के लिए भी है, तो उस सब में ये बहुत ही कारगर और बहुत ही फास्ट तरीके से ये काम करता है। सो जितने सारे ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन्स के लिए, अलग अलग मेडिकल सिचुएशन के लिए, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्चर्स, राइट। फॉर एग्जांपल, मान लो जो GERDS के पेशेंट हैं, गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, एसिडिटी हो जाना, पेट में कुछ ना कुछ एसिड बनना, तो एसिडिटी की वजह से चेस्ट में पेन होना,
गंभीर तरह से पेन होना जो टॉलरेट ही नहीं होता, ऐसे लोगों को क्या करना है? ऐसे लोगों को ये जो पोस्चर आप देख रहे हैं इसकी जगह आप सिर को 3 डिग्री पे इंक्लाइन करना है, 3 डिग्री अप, यानी कि वो एक तरफ बैठ के एक एक ईंट रख देंगे तो उस तरफ ऊंचाई वाले शरीर पे सिर रख देंगे और ऐसे करके वो लेटेंगे तो GERD की प्रॉब्लम जो है गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज की प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा नहीं करना चाहते तो वो स्ट्रेट जब लेटते हैं पहले आधे घंटे वो उनका जो साइड है वो लेफ्ट साइड पे लेटेंगे, लेफ्ट साइड पे अगर पहले आधे घंटे लेटेंगे तो भी जो हमारे स्टमक की पोजिशनिंग इस तरह से हो जाती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल जो एसिड है वो मुँह की तरफ नहीं आएगा, राइट, उसी डायरेक्शन पावर बढ़ जाएगी। सो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर पोस्चुरल मेडिसिन। तो आपने देखा चाहे वो स्टमक की बात करें, चाहे वो हम लंग की बात करें, चाहे वो किडनी की बात करें, चाहे वो लिवर की बात करें या हार्ट की बात करें, उनको ठीक करने का इंस्टेंट रिलीफ देने का देयर इज अ एंगल, जिस एंगल को में पेशेंट को रखते हैं। जैसे मान लो किसी पेशेंट का सिर में चोट आ गई तो ऐसे पेशेंट को हम सीधे नहीं लिटाएंगे, सीधे लिटाएंगे तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। ऐसे पेशेंट के लिए जो पोस्चर है 30 डिग्री, इस पोस्चर पर जैसे पेशेंट को लिटा, क्योंकि पेशेंट के सिर में चोट आई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो खड़ा रह नहीं सकता तो उसको लिटाना है, लेकिन फ्लैट लिटाएंगे तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, तो हम चाहते नहीं ब्लीडिंग बढ़े, ब्लीडिंग जल्दी हील हो जाए, तो बेस्ट पोस्चर इस 30 डिग्री पोस्चर पर लिटाना है, यानी कि बेड को ऐसे इंक्लाइन कर देना है कि वो ऐसा पोस्चर बन जाए। तो आप देखिए मैं सिर से लेकर पैर तक की बात कर रहा हूँ, पैर में स्वेलिंग हो या सिर में इंजरी हो, देयर इज अ पोस्चर, उस पोस्चर में रख के जैसे ही रखते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी स्टार्ट्स सेल्फ हीलिंग, सो दिस इज कॉल्ड पोस्चुरल मेडिसिन। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ नेशनल खबर की तरफ से कि आप ये पोस्चुरल मेडिसिन को सीखें, ये बहुत ही सिंपल है, उसके लिए आप ये बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी लिंक बताया है, वहाँ जाके इसको पढ़ें, इंग्लिश में, हिंदी में और भाषा में भी आएंगी कुछ समय में, वो भी इसी लिंक में आपको दे देंगे, और ना केवल खुद पढ़ें लोगों तक भी ये मैसेज पहुँचाएँ। बिल्कुल सर, दिस इज़ रियली अमेजिंग। वही मेरा सर, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए उत्सुक रहिए और क्यूरोसिटी को बढ़ाइए, और उसके लिए मैं यही मैसेज दूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती, और उसको हम एज ए नेशनल ट्रुथ डे मना रहे हैं, और इस दिन 12 बजे मैं लाइव रहूंगा, इसी तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग लाइफ सेविंग इम्पॉर्टेंट पहलू को लाके, ऐसे मुद्दे जो आपके ज़िंदगी और आपके लाइफ एंड डेथ से जुड़े हुए हैं, तो आप लाइव आइए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके, ये टीवी चैनल पे भी लाइव होगा, इंटरनेट पे भी लाइव होगा, आप आइए और अपना एक घंटा निकालिए 30 नवंबर को राजीव दीक्षित जयंती के दिन, तो इसी उम्मीद से कि भाई आप आएंगे हम आपका इंतज़ार करेंगे। बिल्कुल सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर नेशनल खबर के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।